हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एजू बोर्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका मेडिकल प्रवेश परीक्षा एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई याचिका दायर की थी राजनीतिक पार्टियों ने, जो कि थी तमिलनाडु की। उन्होंने 27% पहले से ही आरक्षण है और उसके ऊपर उन्होंने मांग की थी कि 50% OBC छात्रों को आरक्षण मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो हम इस वीडियो के अंदर हर पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। तो अगर आप भी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि राजनीतिक पार्टियां जो कि तमिलनाडु की थी, तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों ने 50% OBC आरक्षण की मांग की थी, जो कि पहले से ही 27% था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के ऊपर सुनवाई करने से किया इनकार। तो इसकी क्या क्या दिक्कत थी इसके अंदर और क्या वह फैसला इनका सही था और यह फैसला क्यों लिया, क्योंकि आरक्षण क्या है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे 27% आरक्षण पहले ही है, अगर 50% आरक्षण चाहिए है तो यह जनहित याचिका उन्होंने दायर की थी और जनहित याचिका के तहत कोई भी आरक्षण के मामले को सुनवाई नहीं मिल सकती, क्योंकि जनहित याचिका सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही लगाई जाती है और आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई से इनकार कर दिया। और भी एक कारण हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि राजनीतिक जलों की जगह प्रभावित लोगों को सामने आना चाहिए था। प्रभावित लोग मतलब जो इस OBC से प्रभावित हैं, जो इस आरक्षण को चाहते हैं, उनको याचिका दायर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कानूनी याचिका होनी चाहिए थी। और इस याचिका को अनुच्छेद 32 के तहत भी नहीं दायर किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना कर चुका है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 50% OBC आरक्षण की सुनवाई को नकार दिया और उसने मद्रास हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा। और कुछ टिप्पणियां भी उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के ऊपर की है कि ये जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, जनहित याचिका हमेशा मौलिक अधिकारों के लिए लगाई जाती है और आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या यह आपके लिए हेल्पफुल है ये भी ज़रूर मेंशन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारे आने वाली है, जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगी। आपके कंसल्टेंट के लिए, आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू।